कोरोना लॉकडाउन के चलते इस वक्त करोड़ों लोग अपने घर में बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं और एक तरह के स्ट्रेस एट होम से गुजर रहे हैं। क्या है स्ट्रेस एट होम और कैसे आप इसे निपटें? कैसे रोजमर्रा की अपनी पुरानी जिंदगी में लौटने की छटपटाहट का मुकाबला करें? इसे लेकर मैं कुछ खास टिप्स आपके साथ शेयर करने जा रही हूं। जब स्ट्रेस की बात होती थी तो वर्क प्लेस का जिक्र दफ्तर का जिक्र होता था, लेकिन आज आपका दफ्तर आपके घर आ चुका है, इसलिए घर और दफ्तर के इस घालमेल में स्ट्रेस भी बढ़ चुका है। और स्ट्रेस इस बात का भी है कि आपकी आजादी एक तरह से छिन गई है। हम सब घर पर रहने के लिए मजबूर हैं। कब पुराने दिन लौटेंगे? कब वही बाजारों में जाने का मौका मिलेगा? कब खुली जिंदगी जी पाएंगे? इस बात का भी स्ट्रेस लोगों के जहन में। आपकी मेरी हम सब की दुनिया आपके घर की चार दीवारी और हमारे मोबाइल में सिमट कर रह गई है। ऐसे में हम मजबूर भी महसूस करते हैं कि चाहकर भी बाहर नहीं जा पाते। इस मजबूरी से कैसे निपटें, कैसे अपने दिनों को एंजॉय करें, ये मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। अगर कोई मजबूरी कोई मुश्किल है तो उसका तोड़ भी है कि हर प्रॉब्लम अपने साथ एक सोल्यूशन लेकर आती है। तो क्या है कोरोना से पैदा हुई इस मजबूरी बोरियत और साथ ही कुछ बेहतर करने की छटपटाहट का सॉल्यूशन? अगर स्ट्रेस एट होम से निपटना है तो अपने दिन अपने वक्त को रीऑर्गेनाइज करिए। इसका मतलब ये है कि आप अपने दिन में कुछ इस तरह से अपने काम को शेड्यूल करें कि आपके लिए मी टाइम मिले, कुछ ऐसा वक्त जिसमें आप अपने मन की कर सकें, अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर सकें या कुछ ऐसा करें जिसके लिए पहले वक्त नहीं मिलता था, भले ही 15-20 मिनट के लिए। कुछ क्रिएटिव, कुछ ऐसा जिससे आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाए, जैसे बागवानी, खाना बनाना, कुछ पढ़ना, कुछ लिखना या फिर जो भी आपको अच्छा लगता हो। अपने लिए मी टाइम निकालो, आपको अच्छा लगेगा, आप तरोताजा महसूस करेंगे। स्ट्रेस एट होम से निपटने का दूसरा हथियार, अपने काम और अपनी पेशेवर जिंदगी में एक बैलेंस बनाए, क्योंकि अक्सर इस बात का स्ट्रेस भी हमें बहुत परेशान करता है कि हमारी जिंदगी में वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है। और वर्क लाइफ बैलेंस के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने वर्क आवर्स को निर्धारित करिए। अगर आप शाम को ज्यादा काम करने के आदमी हैं तो सुबह का वक्त परिवार को दीजिए। अगर आप इस बात को लेकर स्ट्रेस्ड हैं कि काम में जो फोकस चाहिए वो घर पर नहीं बन पा रहा, तो घर के लोगों से बात कीजिए, परिवार के अन्य सदस्यों का सहयोग मांगिए। मसलन अगर डोरबेल बार बार बज रही है तो क्या आप ही को उठकर जाने की जरूरत है या आप किसी से सहयोग मांग सकते हैं? आप पहले से इसे लेकर बातचीत कर सकते हैं। ये ध्यान रखिए कि जब तक आप सहयोग मांगेंगे नहीं, अपने आप मिलना मुश्किल है। अक्सर हम सारी जिम्मेदारियों को अपने सिर पर ले लेते हैं ये सोचकर कि ये हमें ही करना है, लेकिन अगर हम सहयोग मांगेंगे तो आप देखेंगे कि जिंदगी काफी आसान हो सकती है। तीसरी बात, आप अपने दिन को बेहतर ऑर्गेनाइज करने के लिए प्लानिंग कर सकते हैं, और इसके लिए जरूरी है कि आज जो करना है उसकी प्लानिंग बीती रात कीजिए। एक टू डू लिस्ट बनाइए, आपको कौन कौन से काम आज करने हैं जिससे कि आप और आपका दिमाग उसके लिए तैयार रहे। हम बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन अपनी क्षमताओं को बांध लेते हैं, आंख लेते हैं कि ये मेरे बस का नहीं। ये करके आप खुद पर सीलिंग लगा रहे हैं, खुद को एक बॉक्स में फिट कर रहे हैं। आपको खुद अपनी क्षमताओं का अंदाजा नहीं है। चौथी बात, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि उनकी जिंदगी कोरोना के चलते स्लो हो गई है। बिल्कुल सही, स्लो हो गई है और कुदरत ने ऐसा करने पर मजबूर किया है। लेकिन क्या आपने कभी इससे पहले सोचा कि जिंदगी सिर्फ भागते रहने का नाम नहीं है? जिंदगी में स्लो डाउन भी जरूरी है, और इसलिए जरूरी है ताकि आप बैठकर सुस्ता सकें। भागते भागते अक्सर हांफने लगते हैं हम, और ये लॉकडाउन एक पॉज की तरह है। जिंदगी हमेशा किसी ट्रेडमिल पर भागने का नाम नहीं है, स्लो डाउन भी जरूरी है और कुदरत ने हमें स्लो डाउन करने के लिए मजबूर किया है। इसलिए आज अगर आप घर पर बंद रहने को मजबूर हैं तो इस स्लो डाउन को एंजॉय करने की कोशिश कीजिए।
हो सकता है कि आपकी जिंदगी में ऐसा वक्त फिर ना आए, फिर इतना वक्त परिवारजनों के साथ कभी ना मिले। इसलिए चाय की चुस्कियों से लेकर कॉफी या फिर जो कुछ आप पसंद करते हैं उसे एंजॉय कीजिए और इस स्लो डाउन का मजा लीजिए। यानी जिंदगी हमेशा काम करने और भागते रहने का नाम बिल्कुल नहीं है। काम जिंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन काम ही जिंदगी नहीं है। ये कोरोना का बहुत बड़ा सबक है। अगर आप इस बात को लेकर छटपटा रहे हैं कि पुराने दिन वापस कब लौटेंगे, तो आप क्या कर सकते हैं अभी इस वक्त? आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आपने पहले कभी नहीं किया हो, कुछ क्रिएटिव, कुछ पॉजिटिव, जिसमें आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत पड़े, जिसमें आपको खुद को चैलेंज करने की जरूरत पड़े, जिसमें आप खुद को पुश कर पाए, कुछ ऐसा जिससे आप लोगों की मदद कर पाए, कुछ ऐसा जिससे मन को सुकून और शांति मिले। और जरूरी नहीं है कि मदद करने के लिए आपको घर की दहलीज लांघनी पड़े, आप घर में रहकर भी लोगों की मदद कर सकते हैं। एक और चीज, अगर आप एक ही जगह पर घर पर दिन भर बैठे हैं तो जाहिर है बोरियत होगी ही। अपने घर में ही जितना भी स्पेस है टहलने की आदत डालिए, घूमिए, चलिए, क्योंकि टहलते रहने से मूवमेंट होती है। आप अपनी बॉडी को, अपने दिमाग को भी मूव करते हैं, लेकिन एक ही जगह बैठे रहने से शरीर भी खराब होता है और मन भी। इसलिए जरूरी है कि आप अपने घर में ही मूवमेंट करें, टहलते रहें, किसी तरह से वॉक के लिए वक्त निकालें। ये सही है, कोरोना का ये दौर मार्च 2020 से चल रहा है, लंबा चला है, लेकिन फिर भी ये टेम्पररी है। और ऐसा मैं क्यों कहती हूँ? इसलिए क्योंकि अगर आप 60 या 70 साल की एक औसतन जिंदगी का वक्त देखें तो 1-2 साल क्या मायने रखते हैं? बहुत कम है ना। टेम्पररी, ये वक्त गुजर जाएगा जैसे किसी मुश्किल वक्त की तरह, लेकिन जो वक्त फिर आएगा उसमें वही ऑफिस से दफ्तर और दफ्तर से ऑफिस की भागदौड़, वही बाजारों में भीड़, वही रोजमर्रा के काम, वही सब कुछ पहले जैसा, लेकिन ये दौर फिर नहीं आएगा। इसलिए इस दौर को आज आप एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये दौर आपकी जिंदगी में एक किताब के पन्ने की तरह सिमट कर रह जाएगा।